गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। करंट में आज से हम सीखेंगे फर्स्ट कथा। फर्स्ट कथा में हम बेसिक टर्म्स, सेंट्रल ब्लॉक एंड पंच यूज करेंगे। फर्स्ट कथा करने से पहले आपको करनी है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, फिर करनी है वार्म अप एक्सरसाइज एंड देन स्पेसिफिक एक्सरसाइज। स्पेसिफिक एक्सरसाइज में आप लंजेस करना है इस तरह से, एक पैर आगे नी टच बैक, दूसरा आगे नी टच बैक, ये करेंगे 10 राउंड इस तरह से। आप हाथ ऊपर रख सकते हो, साइड में भी रख सकते हो इस तरह से, या आप नी पे हाथ रख के ऐसे भी लंजेस कर सकते हो। ये हो गए 10 लंजेस। देन एक सेट करिए पुशअप्स का, ओनली 10 पुशअप्स इस तरह से। वॉट बैलेंस, 1 डाउन एंड अप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये दो थी स्पेसिफिक एक्सरसाइज। अभी हम करेंगे फर्स्ट कथा। फर्स्ट कथा में आपको फोर्थ सेट इन्वेंट करने हैं। फर्स्ट कथा नाम लेना है ताइकी क्यू शोरा। फर्स्ट कथा ताइकी क्यू शोरा। आपकी लेफ्ट साइड लेफ्ट शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड से सेंटर ब्लॉक, फुल लेफ्ट साइड टर्न है, सामने देखिए मूवमेंट होगी। टू काउंट राइट लेग फॉरवर्ड एंड पंच, थ्री काउंट राइट लेग बैक, अबाउट टर्न राइट हैंड से ब्लॉक। राइट लेग फॉरवर्ड है तो आपका राइट हैंड से ब्लॉक होगा। देन फोर्थ मूवमेंट है लेफ्ट लेग फॉरवर्ड लेफ्ट हैंड पंच। तो ये फर्स्ट करके फोर मूवमेंट से हम फिर से रिवाइज करेंगे। यहां से फर्स्ट कदम ताइकी क्यू शोरा, दो मूवमेंट आपको आपके लेफ्ट साइड करने हैं पहले, और फिर बाकी के दो मूवमेंट है जो राइट साइड करने हैं। फर्स्ट कदम ताइकी क्यू शोरा, 1 विथ ब्रीदिंग, 2 राइट लेग फॉरवर्ड राइट हैंड पंच, 3 राइट लेग बैक टर्न एंड ब्लॉक। ये मूवमेंट आपको एक साथ करनी है। फिर से यहां से देखो, राइट लेग बैक एंड ब्लॉक, जैसे ही आप टर्न करोगे आपको ब्लॉक करना है। एंड फोर्थ मूवमेंट लेफ्ट लेग फॉरवर्ड लेफ्ट हैंड पंच। ये चार मूवमेंट हम फिर से रिपीट करेंगे। फर्स्ट कदम ताइकी क्यू शोरा, 20 मूवमेंट्स करने हैं, और ये 20 मूवमेंट जो है आई डायग्राम में करने हैं। तो अभी हमने सिर्फ एक लाइन बनाई है आई डायग्राम में, फिर से देखेंगे। फर्स्ट का ताइकी क्यू शोरा, 1 2 3 4। ये फोर मूवमेंट हो गए। अभी इसके बाद सिंगल मूवमेंट है आई डायग्राम में, एक लाइन होगी तो अभी बीच में आना है, तो हम देखेंगे बीच में कैसे आना है। लास्ट मूवमेंट जो है लेफ्ट लेग फॉरवर्ड लेफ्ट हैंड पंच से, तो आपको लेफ्ट लेग उठा के बीच में सामने रखना है एंड ब्लॉक करना है सेंटर ब्लॉक। फिर इसके आगे करना है 3 पंचेस क्लॉकवाइज, 1 2 एंड 3, यहाँ पे किया करना है लास्ट। तो अभी हमने जो देखे टी बन दिया है, एक स्प्लिट लाइन बीच में आके सामने 3 मूवमेंट दिए। फर्स्ट कदम फिर से ताइकी क्यू शोरा, 1 2 3 4 5
इतना ही काफी है, इसी का रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच।